ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं मनीष गौड़। नववर्ष 2021 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। देवादि देव महादेव की हम सब पर कृपा बनी रहे और इस जीवन में, इस साल में आप पहले से ज़्यादा तरक्की प्राप्त करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उनके लिए इसी साल 2021 एजुकेशन को लेकर क्या नई सौगात लेके आया है और आपको क्या सफलता मिलने वाली है। साल के शुरुआत में ही पंचमेश देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि में गोचर भ्रमण आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी सारी रुकावटें आएंगी। ऐसे में खुद को एकाग्रित करने के लिए केवल आपको सिर्फ पढ़ाई जारी रखनी है, व्यर्थ की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, तभी आप पढ़ाई के अंदर इस साल शिक्षा के अंदर एक उचित मुकाम प्राप्त कर पाएंगे। वहीं आपको साथ साथ के अंदर फरवरी मंथ के अंतर्गत जिन विषयों को आपको समझने में ज़्यादा रुकावट आ रही है, उन विषयों में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपकी समझदारी है। जिन सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है वो तो आप सरलता से पूरे कर लेंगे, लेकिन जो टफ सब्जेक्ट है उनमें आप टीचर्स, अपने पेरेंट्स का भी गाइडेंस ले सकते हैं, जिसके कारण आपको परिणाम अच्छे प्राप्त हो। मार्च मंथ के अंदर केतु का गोचर भ्रमण के कारण आपको मेहनत का पूरा फल हो सकता है इन दोनों नहीं मिल पाए, और जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी और अधिक मेहनत करनी है, तभी सफलता मिलेगी। अप्रैल मंथ आते आते उच्च के शुक्र के गोचर भ्रमण से जो स्टूडेंट विदेश जाने के बारे में ख्वाब बनाए बैठे थे, तो हो सकता है विदेश से आपका कोई ज्वाइनिंग लेटर आ जाए और आपको अच्छे से इंस्टीट्यूट के अंदर आपका एडमिशन भी हो जाए। जून मंथ के आते आते हो सकता है आप अपने पढ़ाई से थोड़े से विचलित हो जाए और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएँ, और उस शिक्षा के जो क्षेत्र के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो वास्तव में बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और जो आपने करियर के अंदर मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं वही मिल पाएंगे। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स किसी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अभी थोड़ी और रुकावटें आएंगी, हो सकता है आपको एडमिशन वहाँ पर नहीं मिले। जुलाई अगस्त मंथ में प्रोफेशन के क्षेत्र में जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोफेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आपकी कड़ी मेहनत और लगन ही आपको इस क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी। लेकिन आप में से जो व्यक्ति उच्च शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है उनका पढ़ाई से ध्यान हट जाए और आपकी गर्लफ्रेंड प्रेमिका की तरफ ध्यान रहे, जिससे आपका करियर थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। सेप्टेम्बर मंथ में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए स्टडी का शेड्यूल बनाकर सख्ती से इसका पालन करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी शिक्षा को डिस्टर्ब कर देगी। और इन दिनों स्टूडेंट हो सकता है किसी गलत रास्ते पर चले जाएं या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त आ जाएं जो आपको नशा, स्मोक आदि इन चीज़ों की तरफ ले जाएं। मैं आपको सलाह दूंगा गलत संगत से बचकर रहें। अक्टूबर मंथ में मेडिकल साइंस के फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्षेत्र में धमाका कर सकते हैं। अच्छे अंकों के साथ ही आपको आगे की अच्छी शिक्षा के लिए आपको स्कॉलरशिप भी इन दिनों मिल सकती है। साथ ही साथ नवंबर मंथ में जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना नाम करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन समय, आप अपनी योग्यता, अपना टैलेंट को पूर्ण रूप से सबके सामने लेके आएंगे, जिससे आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। वहीं दिसंबर मंथ में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने मित्रों, अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती में भी लगे रहेंगे, पार्टी में घूमना फिरना इन सब के साथ आपका समय चलता रहेगा। लेकिन अच्छी बात है, इसमें आपकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, पढ़ाई का शेड्यूल भी एक साथ बना रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो नीचे दिए गए नंबर से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। माय नेम इज राजदीप सिंह, आई एम फ्रॉम पाली। जब मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था और उसके लिए मैं बहुत प्रिपरेशन वगैरह करा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और माय फ्रेंड्स गिव मी सम एडवाइस टू मीट सम एस्ट्रोलॉजर्स एंड देन मैं एस्ट्रोलॉजर मनीष गौड़ से मिला। उन्होंने मेरी कुंडली देखी एंड दे गिव मी सम एडवाइस एंड देन आई और उनकी एडवाइस की वजह से मेरा रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड सम अदर फॉरेन कंट्री से एडमिशन हुआ। और हाल ही में मैं रशिया में MBBS कर रहा हूँ इन थर्ड ईयर। थैंक टू मनीष गौड़, इज अ गुड एडवाइजर एंड गुड एस्ट्रोलॉजर। थैंक यू।